गाइस आज हो चुकी है टाइम होगा 1:30 और हम जा रहे हैं मेरे दादी माँ के घर, मतलब चाची से मिलने, दादी से मिलने, क्योंकि कल मेरे को उनका फ़ोन आया था कि तो यहाँ पे पहुँच चुकी है और हमसे मिलने भी नहीं आई, तो अब मैं उनसे मिलने जाऊँगी और जाते जाते थोड़ा सामान और अगर कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के रिलेटेड है हम स्मार्ट बाज़ार जाएंगे और मुझे पता नहीं और जो जो काम अम्मा बोलेंगे वो करके फटाफट से फिर घर आएंगे। और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं निकलने लगी हूँ अपनी सवारी, अपनी स्कूटी लेके। लेना है प्रीति जी के लिए कोई गिफ्ट जो कि उनके न्यू होम के लिए मम्मा अपनी तरफ से उनको देंगी, तो वो भी देखते हैं क्या लेते हैं। मम्मा ढूंढ रहे हैं प्रीति जी के लिए कोई गिफ्ट, तो हमें ये वाली क्लॉक पसंद आई, अभी देखते हैं कौन क्या पसंद करते हैं। मम्मा राधा कृष्ण जी की जोड़ी भी देख रहे हैं। ये है कप जो मम्मा ने मतलब एज अ गिफ्ट और घर के लिए पर्पज़ के लिए मतलब लिए हैं। या तो मम्मा किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या मम्मा खुद यूज़ कर सकते हैं घर के लिए, और एक तो मम्मा शायद लगा भी लेंगे इनमें से, और ये भी मम्मा ने लिया घर के लिए, और मम्मा ने साथ साथ में प्रीति दी के लिए शॉपिंग की है, उनको देंगे ये वाला कुकर। मतलब हमने पहले प्रेस्टिज और दूसरा कौन सा देखा था, एक और था मेरे को याद नहीं आ रहा, हॉकिंस का मे बी, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा बेटर है। और देखते हैं बाकी दीदी जब यूज़ करेंगे इसका क्या उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं। और इसके साथ साथ ये कुकर है, मतलब आपको खोल के दीदी अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। अब तो हम गिफ्ट इसको रैप कर दूंगी मैं अभी। और एक लिया था वो कहाँ, ये दीदी को फ्रिज के लिए चाहिए थे, ऐसे लिए दीदी को मैट चाहिए थे, तो ये मैंने अपनी तरफ से दीदी के लिए लिए ये मैट, बिल्कुल सिंपल सोबर चाहिए था तो सिंपल ही हैं वाइट कलर के। और ये है पिड्डू काकू के लिए गिफ्ट, ये मम्मा की तरफ से सारे गिफ्ट्स हैं और मेरे तरफ से ये दीदी के लिए मैट, बाकी जब दीदी आएंगे तब उनको देंगे क्योंकि मम्मा मेरे को लेने आएंगे। और मैंने ये शर्ट रखी थी कि अगर आप मेरे को लेने आओगे तब मैं घर आऊँगी, इनके अकेले आने से नहीं आऊँगी। और इसके साथ साथ जो आज मतलब दादी की तरफ से भी होके है ना, हम तो उन्होंने भी मेरे को शगुन दे दिया, पहले हम जलंधर से हो गए थे, मासी ने भी शगुन दिए थे, तो उन सब के पैसे जोड़ के मैंने अपने घर के लिए गिफ्ट ले लिया। उसमें मैंने लिया है लैम्प, जो कि अभी ऐसे दिखा तो नहीं पाऊंगी, वीडियो में दिखाया होगा मैंने शायद, वाइट कलर के है यह लैम्प, वाइट कलर के, ये उसके बॉटम वाला लेयर बोल सकते हो, और यहाँ पे है बल्ब, मैंने लिए हैं। और ये है अचार पिकल्स वगैरह रखने के लिए, डाइनिंग टेबल पे रखेंगे इसको हम। और लिया है ये कद्दूकश जिसको ग्रेटर बोलते हैं मेरे को भी अभी पता लगा है ये लैम्प है फ्रेगरेंस के लिए, पता नहीं क्या बोला था, इसमें पानी डालते हैं और फ्रेगरेंस, हाँ मतलब इसमें कुछ फ्रेगरेंस कहाँ से डालना था मम्मा, पानी कहाँ से बोला था उन्होंने, ऊपर ही। और यहाँ पे एक ऑयल दिया उन्होंने, वो हमने लेमन लेमन लिया ना, लेमन फ्लेवर बोलने लगी थी फ्रेगरेंस वाला, वो इसमें रखेंगे और देखते अगर इसकी फ्रेगरेंस अच्छी हुई तो मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगी जरूर। घर जाना चाहती हूँ कि मम्मा ने मेरे को थका दिया है टिंगड़ी जे, थक गई है सच्ची सी, नहीं मजा आंदा शॉपिंग करके आंदा फिर, बट वहां पे हम जब जाते हैं ना तब मन करता है ये भी ले ले ये भी ले ले, बट बजट भी देखनी पड़ती है, तो बाकी धीरे धीरे लेंगे सब सामान। अब मेरे मियाँ जी आ जाएंगे, उनके साथ भी अगर टाइम मिला तो जाऊंगी जरूर। और प्रीति दी ने मेरे को बोला था कि हमारे यहाँ पे जो शॉप्स हैं ना जहाँ पे सूट्स मिलते हैं, तो वहाँ से उन्होंने सूट्स वगैरह लेने हैं, तो अगर टाइम मिला, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप 2-3 दिन के लिए आराम से आना, तो सामान अपना लेके आना, 2-3 दिन रहना है, तो अगर टाइम मिला तो हम सूट्स लेने भी जाएंगे। डिजाइन ना बहुत एंटिक लुक में है, पंजाबी कल्चर शो किया हुआ है ना शायद, एक मिनट, गाँव गाँव की वाइब है, हिमाचली वाइब, सुंदर है काफी। और करनी है थोड़ी बहुत होली की तैयारी, चूँकि हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ सेलिब्रेट करेंगे, शायद होली तक मैं अपने घर चली जाऊँ या यहाँ पे, ये तो मुझे नहीं पता। और आप लोग कहते हो कि हम हर त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक चीज़ और थी कि फर्स्ट होली अपने सासू माँ के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, कुछ है इसके पीछे भी कि मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी, अब मेरे को मतलब ऐसे याद नहीं है,
पर सासू माँ तो हमारे ऑलरेडी पटना चले गए हैं, हम घर पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन घर पे ये नहीं करते, मतलब इन्होंने होली सेलिब्रेट की ही नहीं है कभी। तो देखते हैं यहाँ तो यहाँ पे, यहाँ पे वहाँ पे, आपको अपडेट तो मिलती रहती है सारी साथ साथ में, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि शायद हम चले जाएंगे होली पे, बट देखो। फाइव ड्रॉप्स बहुत है बस। हमारे भी नींबू वाले प्लांट पे ये वाले फूल लग रहे हैं, मतलब नींबू लग जाएंगे। और वैसे यार इस पे नहीं लगते, हमेशा ऐसे फूल आते हैं और जब वैसे तूफान टाइप हवा चलती है ना तो इतनी ये जल्दी से ये सारे नीचे गिर जाते हैं। एकदम लेमन जैसी है। होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। और तो मैं थोड़े से कमेंट रीड करके आपको बताती हूँ। एक मैसेज था अनीता जंजुआ जी का, जो ये था, वेयर एवर देयर इज एंजल देयर इज एवरीवन, व्हाट ब्यूटीफुल ऑरा यू हैव, थैंक यू सो मच जी। एक मैसेज था इंदिरा सूरी मैम का, उन्होंने लिखा, एंजल योर मदर इज़ वेरी प्रिटी, वेरी मैच्योर लेडी एंड वेरी स्वीट, थैंक यू मैम। एक है दीपा प्रीमा जी का, उन्होंने लिखा, मैंने नोटिस किया जो आपकी तारीफ़ करता है आप बस उनका ही रिप्लाई देते हो। नहीं, मैं आपको भी रिप्लाई देती हूँ, थैंक यू। एक है राधे श्याम जी, उन्होंने लिखा है, आंचल को देख के मुझे अपने मायके याद आ जाता है, सभी को आता है, मैं खुद आती हूँ मायके यार, मेरे को मन करता है कि मैं यहीं पर रह जाऊँ बट घर की भी याद आती है अब मेरे को। मैं किसी ने आइडिया से किया है, आंचल जी आप जो मर्जी पहन लो आप सब अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे 2-3 कमेंट आए हैं, थैंक यू सो मच। बाकी आप सब मेरी मम्मा को भी बहुत प्यार देते हो, मेरी फैमिली को, मेरी मासी, सभी को बहुत सारा प्यार दिया आपने, थैंक यू सो मच। अब मैं थक गई थी, मैंने सोचा साथ साथ में कमेंट्स रीड कर देती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, फ्री तो मैं हूँ ही। और मम्मा बना रही है इस टाइम पे खाना, क्योंकि सब्जी तो हमने आज टिंडे बना रही थी, टिंडे क्या बनेंगे, टिंडे, और साथ में बनाई है दही पकौड़ियाँ, और अब बस मम्मा चपाती बना रहे हैं, और मैं सोचा मैं थोड़े से कमेंट रीड कर देती हूँ। सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला है, मैंने लगाई हुई थी बीच में, मैंने जहाँ पे हम रुके थे मैंने थोड़ी देर के लिए उतारी थी, अब तो मैं आप लोगों के कारण, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स पढ़ के मेरे को सच्ची में होता है कि मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए लगानी चाहिए, मैं लगाती हूँ पर कई बार भूल जाती हूँ। बटाला से जो मैं लोहे वाला चूल्हा लेके आया था ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे सामने ताया जी है ना, कहते मेरा चूल्हा लेके आया तू, मैं 2 बार जाके आया पठानकोट और जलंधर, तो उनको लगा कि मैं बटाला जाके आया, मैंने बोला कि अब जब मैं जाऊँगा ना तो लेके आऊँगा आपके लिए ज़रूर, कहते लेके आना, और हमारे रचि उन्होंने मंगवाया, कहते एक हमारे लिए लेके आना, तो जाते टाइम फिर एक बार किसी से पूछ लूँगा, किसी और को चाहिए तो भी बता दें, क्योंकि सबके लिए ले आऊँगा, और अगर इकट्ठे लेके आया तो अंकल जी को भी अच्छा लगेगा, अंकल बहुत खुश हो, कहते हैं इतना पसंद है, मैंने कहा बिल्कुल, कहते हमारे यहाँ पर तो इतने बिकते नहीं है ये, मतलब गांव में बिकते हैं, शहर वाले लोग नहीं लेते। ये मेरी बचपन की फोटो, साथ में है मेरा भाई, बड़ा भाई, और ये मैं क्यूटी पाई, और ये चुमिंडा माता, वहां पे ये फोटो खिंचवाई थी, यही मेमोरीज होती है ना। है मेरी वैष्णो माता, वहाँ पे हम गए थे, ये वो वाली पिक है, और इसमें मैं ब्लू फ्रॉक में ऊपर, ये दोनों वैष्णो माता की फ़ोटो है। और मेरी एज होगी 2.5 और मे बी 3। मेरी कुछ कॉलेज की मेमोरीज हैं जो उनको हमेशा इस पिक के थ्रू याद रखेंगी, सारी की सारी मेरी फ्रेंड्स, पता नहीं सब अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे होंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्यों तंग करा मेरे को। तो मेरी लाइफ में आए ये, जिनसे मेरी हुई शादी, और ये था मेरा पहला सबसे बड़ा स्पेशल दिन, और ये उस दिन की एक मेमोरी जो एक पिक्चर में एक फ्रेम में कैद होके रही है। कहता मेरे को लगा ये बोले लगी है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती टहड़ा है। अच्छा अपनी बॉडी से दिखा दे, मैं अपने भाइयों को आपसे मिलवाऊं, लेकिन मेरे भाई ब्लॉग्स में ज़्यादातर आते नहीं, वो शायद फील करते हैं, अगर थोड़े बहुत ले आई तो बस, वैसे भी कुछ भी अपने बारे में इंट्रो नहीं देंगे, तो बाकी बाकी बाकी
आज तो मैं पूरा दिन ऐसे निकाला है सिंपल सोबर, क्योंकि मेरे को कल शायद ये लेने आ जाएंगे। ये दिन ना ऐसे लग रहा है कि क्यों मैं जा रही हूँ वापस घर, बट इसके बाद होली मुझे अपने घर में सेलिब्रेट करनी है। कुछ दिन के लिए आई हूँ, मतलब मेरी थ्री आज फोर्थ नाइट होगी, ठीक है फिर भी इतने दिन। अब घर जाके घर संभालने का टाइम आ गया है और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, लेकिन अंदर से कुछ हो रहा है कि कितना टाइम स्पेंड किया होगा, बाजार के चक्कर लगते रहे हमारे। मैंने मम्मा के साथ सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, फेशियल ब्लीच सब चीज़ें लेंगे, हेड मसाज लेंगे, लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिला। दरवाजे के साथ पूरा दरवाजे जितना आता है मेरे घर में, ये खली पैदा हुआ है, खली 7-8 फीट ऊंचा। डिनर हो गया, वाह क्या कातिलाना स्माइल है, खा लो खा लो। कैसा बनाया है? आपको झूठ बोलना भी नहीं आता, मैंने खाना नहीं बनाया। आ रही है माँ मेरी, नहीं बट आज नहीं बनाया, आज मम्मा ने खुद ही बनाया, आज नहीं मैंने कुछ। आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मैं पूरी आलस सी बन के इतनी लेजी रही ना, मैं आज पूरा दिन उठी नहाई ऐसे पुठे सीधे, पुठे सीधे मतलब ऐसे क्या कपड़े डाले, कुछ तैयार नहीं हुई, कुछ मेकअप नहीं, ऐसा लग रहा मैं पूरी कुंवारी हूँ। कुछ लग रहा आपको किसी भी एंगल से, मैं पहले भी ऐसे रहती थी। मॉर्निंग गाइस, आज मेरे हस्बैंड और प्रीति मेरे घर आ रहे हैं, तो फटाफट से सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की है, और उसके बाद मम्मा अंदर कर रही है किचन का काम, मतलब खाने वगैरह सब कुछ, और बाद में हमारी आंटी आएंगे तो वो सारा झाड़ू पोछे का काम कर लेंगे, और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और फिर मैं कान्हा जी को उठाऊँगी, और फटाफट से करते हैं काम, उसके बाद करेंगे थोड़ा आराम। बाय बाय। रूम के लिए, और इसमें है कम्फर्टर, कम्फर्टर क्या था, कवर, कंफर्टर का कवर भी, जो कि कंफर्टर को ऊपर चेंज कर सकते हैं हम, तो ये दूसरे रूम में करते हैं चेंज। स्वादिष्ट शाही पनीर बन चुका है। पनीर बना दे? हाँ पनीर डालो, कोई बात नहीं, उधर हमारे पनीर की तैयारी चल रही है, जो पनीर डालना पता है डालिया, और इस तरफ राजमा है, मतलब राजमा बनने, मम्मा ये तड़का लगना ना। हाँ अभी राजमा बस हुए हैं। इन सब में मैंने फटाफट से पिकल्स डाल दिए हैं, और ये है मीठा वाला गाजर और शलगम का अचार, इसमें है नींबू का अचार डाल दिए, नैपकिन पेपर लगा दिए, तो डाइनिंग टेबल हमारा ऑल सेट है। इसके लिए हमने कैंडल ढूंढी थी, लेकिन वो कैंडल इसको ख़राब कर देती, तो हमने वो रहने दी, जो आर्टिफिशियल थी उसका तो बल्ब भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता, तो मैंने बोला मम्मा ऐसे ही रहने दो, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने सजना दे शहर बटाला, और आंचल को लेने नहीं जा रहा, उसका मन लग भी गया है, नहीं भी लगा कह सकते हैं, रोज पूछते कब आओगे मेरे को लेने, कब आओगे, तो मैं और प्रीति आज दोनों हम उसको लेने जा रहे हैं। आज जाएंगे हम, एक दो दिन वहाँ पे रहेंगे फिर वापस आएंगे, और बहुत मन था काफ़ी दिन से प्रीति को लेके आओ, आंचल का और उसकी मम्मा, उन्होंने प्रीति मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आंटी ने सॉरी मम्मा ने बार बार फोर्स किया, आंचल की मम्मी ने, कि प्रीति को जरूर लेके आना, तो हम सब जा रहे हैं। और ये टी शर्ट मैंने डेनिम स्टोर से ली थी, पोलो शर्ट, तो कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, पहली बार ऐसी पहन रहा हूँ मैं लाइनिंग वाली, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और ये आउटफिट, ये साथ में स्नीकर जो मैंने आंचल की मासी जी की दुकान है वहाँ से लिए, और ये वाली शर्ट, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। हमारी चाय बन रही है, तो दूसरी साइड हमारा दूध उबल रहा है। अभी खा रहे हैं महाराजा जी के छोले भटूरे। नहीं किलो में गाजरे और उतारे, ठीक है तू तरे करे ना, आधा आधा किलो कर दो दोनों, आधा किलो तर आधा किलो गाजर, पत्ते निकाल दो, आ ला दो, ज्यादा था चुकंदर भी या गाजर भी, 5 रुपए का ज्यादा पा लिए, क्या जा रहा है भैया, तो बद डाले हैं, नहीं ना ये नहीं बात, 90 भी हुए नहीं, मैं 5-5 रुपए छूटे कहाँ आते, 10 रुपए तो आता है छूटा, ये तरे कैसे लगाई 80 रुपए, नहीं मैं रेट नहीं पूछ रहा हूँ, अमरूद नहीं, की प्लेट है भैया 30 का है 50 का, 30 का है 50 का, मतलब
अच्छा 30 का हाफ है, कितनी कर दे तू? दो लगा दो, पूरे गर्मियाँ लगे रहते हैं, गर्मियों में भी लगता है चाट। नहीं अब खत्म हो जाएगा, मार्च भर है। गर्म बिना मीठी चटनी के ना, सिर्फ मसाला डालो। गाइज गुड मॉर्निंग, आज मेरे हस्बैंड और दी मेरे घर पे आ रहे हैं, तो फटाफट से सबसे पहले तो डस्टिंग वगैरह सब चीज़ें की और अब जाके नहा के थोड़ा बाहर बाजार का काम किया, जिसमें मैंने थोड़ी सी स्वीट्स लेके आई हूँ और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का सामान और जो जो भी चीज़ें मेरे को पता भी अब याद नहीं होंगी। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ, तब तो बस हेयर वॉश किया और ऐसे चली गई बाहर। और अब आके मम्मा शायद आटा वगैरह कर रहे होंगे, गूंद रहे होंगे और मैंने सैलड काट दिए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा अगर मेकअप तो नहीं मैं करूँगी, लिप शेड लगा लेती हूँ और हेयर स्टाइल कर लेती हूँ क्योंकि वो आने वाले हैं। अभी वो भी वीडियो बनाते होंगे रास्तों की और शायद मेरे बटाला वाला बोर्ड दिखा रहे होंगे और कुछ ही टाइम में वो यहाँ पर आने वाले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तो बाय बाय। फरमाइश आई थी, मैंने फ़ोन पर बोला इनको कि हमने मतलब ये खाने में बनाया है, तो मेरे को बोलते मेरे को नहीं शाही पनीर खाना, मानी खानी है। तो मम्मा फटाफट से मैंने बोला मम्मा रहने दो, कोई बात नहीं मम्मा, नहीं नहीं अब जमाई साने बोला है तो वो बनेगी, अब मम्मा बना रही है मानी, नहीं तो हम फ्री हो जाते अब तक। और फिर अब मैं क्या करने वाली हूँ देखती हूँ, थोड़ा बहुत खिलारा अगर पड़ा हो तो, किचन में पड़ता बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। पहले क्योंकि ये आने वाले पहुंचने वाले हैं, आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनको, वैसे तो ये 2 बजे तक पहुंच जाते हैं लेकिन अब तो लगता है 3-3.5 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं होली की वजह से बहुत रश है। और अब जाके फाइनली मैं तैयार कर रही हूँ थाली जिसमें मैं फूल तोड़ने आई हूँ, बहुत सारी चींटियाँ हैं इस पर, चलो धो लेंगे इसको। तीन महीने का भी ये सो रहा है, है। प्रीति लेना है ना सेब ले ले और पपीता और केले। प्रीति हम ले रहे हैं यहाँ से फ्रूट्स और ये बेबी है 3 महीने का, कितना छोटा सा है। हाँ पर एक पपाया कर दो, पपाया कौन सा दीपू? पपाया हाँ ये तो पपाया दीपू इतने ठीक नहीं लग रहे। नहीं सही है, इससे अच्छा पपीता कौन सा होगा बताओ। ये तो कैसे साइड में ऐसे हुआ है? नहीं तो इस ये मत देखो, ये दूसरे से लड़ लड़के ना हो जाते हैं, लड़ लड़के भाई इतना इतनी लड़ाई ना हो ना कि खून नहीं हो गया। अभी पता है अच्छा। ये कर दो, कहते पपीता ने लड़ाई करी एक दूसरे से। दीपू एक लेंगे हम, दीपू एक या दो एक लेते हैं, ये कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी है। और ये हमें दिखे घोड़े और ये देखो बटाला की सड़कें, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हमें बटाला से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अच्छा मेरे कान ना ऐसे मतलब खाली अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं कुछ डाल लेती हूँ। तो जल्दबाजी में ऐसे लगा ये बाहर आ गए, तो मैंने क्या किया एक साइड पे ऐसे डाल लिए और एक साइड पे ये वाले। आपको पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, मतलब मेरी फुल फेस पे पिंपल पिंपल हो गए हैं, अजीब सा लग रहा है ना। ऊपर से ना कोई हेयर स्टाइल बनता है, ऐसे चंपू से देखो आज ही मैंने हेयर वॉश किया, मेरे चंपू चंपू हेयर लग रहे हैं। मैं मैंने पता ही आगे तो हेयर बोलना मेरे साथ ही ली थी, मेरी चॉइस है जी, आंधे शुरू हो गए ना तो मिस किया। मैंने नहीं किया, तेरा मन लगा था? मेरा नहीं लगा, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं को होली के बाद लेने आना, आपने बोला मेरे को होली सेलिब्रेट करनी, अगर आपने अब नहीं की ना फिर देख लेना। मेरे को नहीं अच्छी लगती होली, क्या यार रंग लगाते रहते हैं। चलो चले अंदर, देखा हनी कितना मिस है, मैं लेने आ गए बस। मैंने मम्मा विकास पहले लगाते हैं, मैंने अभी देखे मतलब पहले नहीं देखे। चलो निकाल सामान ले लूं अभी? ना 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 मेरे बैग में रखा है। हां क्यों ना बड़े मजे ना, 4-5 दिन बड़े 5-6 दिन बड़े ऐसी थी, सुता रहा पूरे दिन, बुलाया ना मैंने पूरे दिन, मैंने कुछ भी खातिर तड़ी करनी। आप आ गए?
कोई क्या बोलते हैं डायलॉग है क्या होता है कुछ आने रास्ता है थकावट हो जाती है तीन तो साढ़े तीन घंटे आराम ने लगती है। हम 11 बजे निकले थे वहां से मैंने भी लगन लापा मैं बुढ़ी होगी ना नहीं पर थोड़ा लंबा रास्ता है बट अच्छा हम पहुंच गए टाइम से निकल गए ना 2 घंटे होनी चाहिए है ना 2 घंटे सफर पर मजा भी है ना थोड़ा लंबा सफर मैं पास में आए ना मैं आ गई थी मैंने बुलाया हां बुलाया था पीयूष जिस दिन से यहाँ पे आई ना एक बार और मेरे को कब लेने आओगे मेरे को कब लेने आओगे मैं पूछती ही कि किस दिन आना तो ही बस इस तरीके ना बस और कुछ नहीं पूछती मैं नहीं कहती कि आ जाओ तूने बोल दिया मैं 10 दिन रह के आऊंगी हाँ तो मैं वही कह रही कि मैंने होली के बाद लेना है मैं बोल रही मैंने होली के बाद लेना है और वीडियो में बताया कर कि तेरे को पॉकेट मनी क्यों नहीं मिलती क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती ना मेरा खर्चा होता है ना मेरे को उससे ज्यादा मिल जाता है वो अलग बात है कि मेरे को डांट भी पड़ती कई बार अब मेरे को इन्होंने ऐसे बोला क्यों मेरे को दे देते हो मेरे को खर्चा पॉकेट मनी ओ प्रावा मैं तंग हो गया अब ये सारी चीजें मैं न्यू डाल रही हूँ ये इनके ही पैसों से ही है मतलब इन्होंने मेरे को दिए और ये मेरे पैसे इन पे मैंने इसको दिए और इन्होंने मेरे को दिए मेरे ने इन्होंने मेरे को दिए और मैंने दुकान वालों को दिए है ना और ले मतलब मेरे को पॉकेट मनी मिलती है वो मैंने ऐसे एक डायलॉग बोला था कि मेरे पैसे खत्म हो गए हाँ आप लोग इतना सीरियस ले गए आपको लगता है लगता है आपको इतनी बड़ी अंचल और पैसे नहीं लेती मेरे क्या मैंने पीयूष होली कल के टी शर्ट भी सारे हुआ ना होली वाले कलर ना पीयूष भी देख रहा कि यार और विकास कैसे हाल चाल है बस बढ़िया आप बताएं मजा आया उस दिन जलंधर में जब चले गए ना सारे फिर मजा आया नहीं खाली खाली सा गया ना मेरा ही मन नहीं लगा पहले जाते हुए फिर घर जाके तो लगे जाता है अपने होम बर्थ प्लेस जो होता है वहाँ पे तो मन लगे जाता ना पर रात को बड़ा मजा आया रात को सबसे ज्यादा मजा आया ना जो लास्ट वाली नाइट थी ना वहाँ पे उस टाइम तो हम लोग रात को 3 बजे सोए थे 3:30 बजे गए थे ना मेरे को याद नहीं कितने बजे 4 बजे पर उस टाइम मजा बहुत आया क्योंकि हमने हम ना सबकी एक दूसरे की ना मिमिक्री कर रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे मासी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना ऐसे आंचल की फैमिली के साथ तो बहुत मजा आया सबके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया और सब लोग याद भी कर रहे हैं एक दूसरे को कि महफिल लगी इतने टाइम के बाद है ना फिर बुला रहे हो गए फिर अब नहीं आएंगे भाई बहुत टाइम हो जाता है टाइम तो नहीं मतलब कि थोड़ा टाइम के बाद 5-6 महीने के बाद फिर कभी बैठेंगे ना ऐसे अगर मौका मिला तो कोई फंक्शन होगा तो लोग अपनी मेमोरी वो कर रहे हैं रिमाइंड जलंधर वाली कौन सी जलंधर गए थे ना अभी आंजल की मासी के घर तो उसकी बातें कर रहा हूँ विकास के साथ में अच्छा अब दीदी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाना लेकिन वो कब से चले हुए हैं और शायद वो थोड़े से राजमा चावल ले लेंगे और जब सारे खाते ना तब वैसे भूख लग जाती है क्यों मम्मी जी कुछ नहीं खाता खोदा चले बहुत है ना फिर और बात तो ये बने हैं राजमा बस मैंने बता ही दिया था और है शाही पनीर और उसके ऊपर डाला है धनिया आपकी स्पेशल फरमाइश पे मानी बनी है मानी तो नताए वाले कोठे तो चढ़ा लो आए जाओ